तो गाइज अगर आप 25,000 के बजट में सैमसंग का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो में मैं सैमसंग के बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं जो 25,000 के बजट में आते हैं। अच्छा, इस बजट में आपको सैमसंग के बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। इस बजट में सैमसंग अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन्स देना स्टार्ट कर देता है। इस लिस्ट में मैंने उन स्मार्टफोन्स को पिक किया है जिनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, सबसे अच्छी कैमरा क्वालिटी, बड़ी बैटरी और बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाए। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही टेक वीडियोज मिलते रहें। तो लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी A33 5G। इसका 6GB रैम वाला वेरिएंट 24,500 में और 8GB रैम वाला वेरिएंट 25,500 में मिल जाता है। इस पर आप कुछ बैंक ऑफर्स लगा करके इसे और भी कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इसमें 6.4 इंच की कमाल की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि इन्फिनिटी यू कटआउट के साथ में आती है। वैसे इसमें पंच होल डिस्प्ले तो नहीं है लेकिन इसकी ये नोच भी काफ़ी अच्छी लगती है और स्मूथनेस के लिए इसमें 90Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। फ्रंट साइड में इसके गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है, बाकी बैक साइड में यह प्लास्टिक के साथ ही आता है। इसके रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें OIS के साथ में आने वाला 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए इसमें कैमरा दे रखा है। इसके फ्रंट साइड में 13MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो यह सैमसंग के एक्जिनोस 1280 के साथ में आता है। अब यह जो 1280 प्रोसेसर है यह 5nm की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और कंपेयर के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 750G से भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग और अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट इसके अंदर दिया गया है। सैमसंग ने इसमें IP67 की रेटिंग भी प्रोवाइड करवाई है तो फोन कभी पानी वगैरह में चला जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको 25,000 के बजट में सैमसंग की A सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP रेटिंग और कमाल की डिस्प्ले देखने को मिल जाए तो यह फोन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर नंबर 2 पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी M52 5G। दोस्तों, यह 25,000 के प्राइस में आने वाला सैमसंग की M सीरीज का मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन हो जाता है क्योंकि इसमें 120Hz की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 778G पावरफुल प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। इसका 6GB रैम वाला वेरिएंट 20,000 में और 8GB रैम वाला वेरिएंट 22,000 में आता है। इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है। इसमें ओनली 7.4mm की थिकनेस मिलती है तो यह काफ़ी पतला स्मार्टफोन है। इन एंड फील भी इसकी काफ़ी सॉलिड आती है। दोस्तों, इसमें पावरफुल स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मिलता है और यह 12 5G की बैंड को सपोर्ट करता है तो इस प्रोसेसर के साथ में परफॉर्मेंस को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। वहीं इसके कैमराज के बारे में बात करें तो इसके रियर में 64+12+5MP का ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट साइड में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है तो एक काफ़ी अच्छा कैमरा कॉम्बिनेशन इसमें दे रखा है, यह फोटोज काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा इसमें NFC, अल्ट्रा वाइड लाइफ और सिक्योर होल्डर जैसे सभी फीचर्स मिल जाते हैं और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी भी इसमें दी गई है। यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है तो यह उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा जिनको 20,000 की प्राइस में ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए। दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जहां से आप इन पर मिल रहे सभी ऑफर चेक कर सकते हैं और इन्हें वहां से परचेज भी कर सकते हैं। गैलेक्सी M52 5G का प्राइस काफ़ी फ्लैक्चुएट हो रहा होता है, कभी कभी तो यह 19,000 के प्राइस में भी आ जाता है। लिंक पर जाकर के आप इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो 25,000 के अंडर मिलने वाला बेस्ट स्मार्टफोन यानी कि नंबर 1 पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी A52s 5G। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इसमें 6.5 इंच की छोटे से पंच होल और काफ़ी पतले बेजल्स वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट और 800 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। तो यहाँ पर सैमसंग ने इसमें फ्लैक्सिप ग्रेड की डिस्प्ले दी है जिसे आप इंडोर या फिर आउटडोर कहीं भी यूज करें विजिबिलिटी को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और इसके फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। साथ ही गाइज, यह भी क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 778G के साथ में आता है और 12 5G बैंड का सपोर्ट इसमें भी दे रखा है। सैमसंग इसमें 3 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड करवाने वाला है तो यह काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, आप इस फोन को लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब इसके कैमराज के बारे में बात करें जो कि इसकी मेन हाईलाइट हैं। इसके रियर साइड में 64+12+5+5MP का क्वाड कैम सेटअप मिलता है, साथ इसमें OIS भी दे रखा है और इसके फ्रंट साइड में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है तो फ्रंट और बैक दोनों ही साइड के कैमराज से इसमें काफ़ी कमाल की फोटोज आती हैं और अगर आपको इस बजट में बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है तो यह फ़ोन परफेक्ट रहेगा। बाकी इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और यह सैमसंग की A सीरीज का स्मार्टफोन है तो यह काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन के साथ में आता है। इसके अलावा इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP67 रेटिंग और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। तो फिलहाल इसका 6GB रैम वाला वेरिएंट आप Amazon या फिर Flipkart से 25,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इन स्मार्टफोन्स को परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
तो दोस्तों यह थे सैमसंग के वह सभी स्मार्टफोन्स जो फिलहाल 25,000 के बजट में मिल रहे हैं। उम्मीद आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगा, तो इसको लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।